हेलो एवरीवन, मैं नितिन रीना ऑफिशियल, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह का टाइम है गाइस, तो हम नहा चुके हैं और उसके बाद जो भी घर का सुबह का काम था उस सब निपटाने के बाद तो नहाते हैं जो है, क्योंकि सुबह नहाने के बाद उसके बाद करो तो नहीं समझ में आता। सिवान सो भी रहे हैं, तो हम नहा चुके, कंघी वगैरह सब कुछ हो चुका है गाइस। तो हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए, देखते हैं किचन में आज क्या बनाते हैं। जब से देवरानी आए तब से चाय हमको बनाना पड़ता है, इनके हाथों को पीने को मिलता है। आज आप लोग मिल लीजिए, अभी से जो है हम आप लोग को कभी मिलवाए नहीं थे ना, कहते थे डेली खा मिलवाएंगे। तो आज अभी देखते हैं किचन में क्या बनाते, तो आप लोग भी मेरे साथ ब्लॉग में जुड़े रहिए। गाइस, आज सुबह का मौसम कितना अच्छा है, सुबह रात में बारिश भी हुई थी। सिवान ब्रश कर रहे हैं क्योंकि जो है बाहर आके कह रहे हैं मम्मा हम जो है बाहर जो है ब्रश करेंगे। और उसके बाद ये देखिए मेरे यहाँ फूल कितने लगे, मैं आप लोग को होम टूर एक बार ज़रूर करवाऊंगी जो है, अभी तो करवाई नहीं, जब से यहाँ पर रहने लगी हूँ तो करवाऊँगी। ये मम्मी की जो है सारी चीज़ मेहनत का फल है, जो कितना सारे फूल हमारे घर में लगे हैं। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, सिवान को देखिए जल्दी सभी मंजन नहीं कर रहे गाइस, बहुत टाइम लगाते हैं ये। देखिए गाइस, ये मटर है, इसका हम निमोना बनाएंगे, जो कि हरी मटर है, इस समय ज़्यादा मिलता भी नहीं है। और उसके बाद ये जो है हरा लहसुन है, हरा धनिया, हरा मिर्चा है, जो कि हरा लहसुन और मिर्चा है, ये जो मैंने पीसा इसका पेस्ट जो है, क्योंकि आज मम्मी बनाएंगी अपने हाथों से निमोना जो है, इसको जो है मटर जो है सिल पे हम लोग पीसेंगे, क्योंकि सिल का ज़्यादा अच्छा होता है। और ये हमारी आलू भी कट चुकी है, देखिए अब जो है पतली पतली जो है निमोना के लिए। तो आप लोग कैसे बनाते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो है। अच्छा मम्मी, इसमें क्या क्या डालती हैं आप बताइए जरा, इसमें बता रही गरम मसाला ना, गरम मसाला डालेंगे, हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे, हिंग डालेंगे, बरी जो है क्योंकि बरी हमारे यहाँ की बहुत अच्छी बनती है। और उसके बाद जो है आलू कटा ही है, बाकी मटर पीस भी गया है। तो देखिए गाइस किस गए, मम्मी बहुत ही अच्छा निमोना बनाती है, इनके हाथों का बहुत टेस्टी लगता है। हम लोग भी बनाते हैं लेकिन मम्मी बहुत ही अच्छा बनाती है। मम्मी मसाला बहुत कम यूज करता है, मुझे इस तरीके से बनता है जो है हमारी लगता है इनको देखिए गाइस इसको याद है। तो आप लोग जो मतलब आप भी हमारे यहाँ जिस तरीके से मम्मी का एक बार आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, जो बनाइएगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर, क्योंकि होता है ना हम लोग जिस तरीके सबका अलग अलग तरीका होता है बनाने का। चलिए जो है ये देखिए हम आपको बैक कैमरे से दिखा दे रहे हैं सारा चीज़ें जो है, जब निमोना और उसके बाद तेल में बड़ी डाल दी थी, अब इसमें मसाला सारा सब कुछ दाल को भूनेंगी जो है, और भी मसाला इसी में ऐड कर देती हैं। और उसके बाद गरम मसाला वगैरह जो भी पड़ता है सब कुछ इसमें डाल देती हैं हम लोग, जैसे कि जो है धनिया मतलब जो भी मसाला रहता पहले तेल में डालते, लेकिन मम्मी इकट्ठा ही डालती इसमें सारा चीज़ डाल के भून देती, बहुत ही टेस्टी बनता है गाइस। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा इसी तरीके। हमारे यहाँ चावल भिगो के बनता है, जो कि चावल बहुत सॉफ्ट बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है। हमारे यहाँ जब भी बनता है चावल भिगो के ही बनता है जो है। चलिए आप लोग जो मतलब दिखाते क्या खाते हैं लास्ट में, तो जो भी रहता कर लेते हैं, पपीता रहता, अनार वगैरह जो भी रहता हम लोग खा लेते हैं। उसके बाद चलिए गाइस हम आपको दिखा देंगे जो है निमोना है जो मतलब आपको दिखा दे रहे हैं अच्छे से। हमारा निमोना हो चुका है लगभग जो है, सो गाइस तो अगर आप लोग का आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। गाइस आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग पता नहीं क्यों सब्सक्राइब नहीं करते, लेकिन कहने से क्या होता है, जिसको जो करना रहेगा करेगा ही। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।